पुलिस फेयर है क्या? हेलो ये पुलिस फेयर है क्या? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हो बदला ले लो, उस प्रदेश की पुलिस फेयर होगी? क्या उम्मीद करोगे आप? क्या इतना अच्छा भवन बनाया इसलिए क्या न्याय वहां बैठ करके करें लोग? इसीलिए मैंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते हैं। अगर वीडियो क्लिप देख करके ये चिन्हित कर रही है सरकार कि कौन लोग आगे घटना कर रहे थे, तो सरकार को वो वीडियो भी देखना चाहिए जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से शासन और प्रशासन के लोगों ने लोगों के साथ जो अन्याय किया, जो शुरुआत की है, तोड़फोड़ की है। कई वीडियो ऐसे हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें पुलिस खुद तोड़फोड़ कर रही है, पुलिस खुद उकसा रही है। जहां और प्रदेशों से सूचनाएं आ रही थी, दिल्ली से सूचना आ रही थी, बंगाल से सूचना आ रही थी, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं किया है पुलिस ने खुद? कई वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जहां पुलिस ने खुद तोड़फोड़ की है। अगर कहने की बस जल गई तो हम तो शासन प्रशासन से कहेंगे आखिरकार वो बस आई कैसे, लाया कौन, उसका वीडियो भी तो आपके पास होगा। सरकार का कहना है कि ये जो सीए आया है इसमें किसी भारतीय नागरिक का कोई नुकसान नहीं है और विपक्ष अपनी राजनीति के लिए केवल इसको हवा दे रहा है। अगर आप गांव से आते होंगे, केवल एक उदाहरण में दे दूं, गांव में किसी भी गरीब का घर का कागज उसके पास नहीं है। हमें ला दें वो लोग जो गांव में रहते हैं, निवास करते हैं, कितने लोगों के पास अपने जमीन के कागज हैं? अगर आप गांव से आते होंगे, अपने गांव में पूछिए क्या कितने लोगों के पास अपने कागज हैं? गरीब पर कागज नहीं है। बताओ सपेरे कहां से लाएंगे जिनका हम बीन कई बार यहां पर बजवा चुके हैं? ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। सरकार चाहती है कि नोटबंदी से जिस तरीके से लाइन में खड़ा कर दिया था कैश के लिए, उसी तरीके से लोग भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं लाइन में और तमाम जो सवाल है उनको भूल जाएं। नफरत से इनको लाभ मिलता है, डरा करके लाभ मिलता है। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का काम किया, धरना दिया है। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा है तो वो सरकार के इशारे पर, सरकार के इशारे पर सब कुछ हुआ है। क्या मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है कि बदला लो, ठोको, और फिर क्या न्याय केवल जनता के साथ नहीं, क्या प्रेस के लोगों के साथ नहीं हुआ? क्या वो घटना भूल गए आप जिस पत्रकार ने केवल ये दिखा दिया था यहां खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा था? क्या पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं हो रहा? क्या एक आपके हमारे बीच में बैठे पत्रकार साथी के साथ अपमान का काम नहीं हुआ? क्या नहीं कहा गया कि दाढ़ी नोच ली जाएगी? क्या आप वो बातें भूल गए दिवाली और रमजान की? वो बातें भूल गए क्या कब्रिस्तान और शमशान की? ये भाषा कौन सी हो सकती है आज आज के जमाने में, जहां इंटरनेट बंद कर देते हो कि कपड़े से हम पहचान लेंगे कौन है? क्या आप नहीं जानते डूबती अर्थव्यवस्था को जवाब नहीं दे पा रहे हैं? नौजवान खड़े हैं लाइन में नौकरी और रोजगार के लिए, उनके पास क्या है? और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कमाल के हैं जो धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार धमकी नहीं दी इन्होंने, सदन में कहा कि ठोको, और उसका परिणाम क्या हुआ कि निर्दोष लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बदला लो, जितनी भी उत्तर प्रदेश में जान गई हैं
ये उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी की भाषा की वजह से गई हैं, जहां लोग शांतिपूर्ण ढंग से निकले, लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध कर रहे थे, ये तो अधिकार हमें मिला है, इन अधिकारों से भी वंचित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी ऐसे काले कानून का विरोध किया है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, जनता के बीच में भी, और आज भी विरोध करती है। एनआरसी जैसे के पक्ष में समाजवादी पार्टी कभी नहीं हो सकती, और ये सब जानबूझ करके इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। जो लोग ये नारा देते, जो स्क्रीन के पीछे लगा हुआ है नारा, ये हमारी पुराना, सदियों पुरानी बात, हजारों साल पुरानी बात, जो हमारी पहचान है, हमने, भारत के लोगों ने जो भी आया उसे स्वीकार किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहकर के दुनिया में गर्व करते थे कि हम उस धरती के लोग हैं, हम उस धरती से आते हैं, हम उस धरती के रहने वाले हैं जहां पर सबको सम्मान मिला, हक मिला, और सबको बराबरी के साथ देखते हैं। बताओ हमारी परंपरा का क्या होगा, दुनिया में क्या मुंह लेकर के जाएंगे आप? आज केवल भारत में विरोध नहीं हो रहा है, दुनिया का कोई कोना नहीं बचा जहां विरोध ना हो रहा हो। जामिया के बाद, एएमयू के बाद, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची जहां पर विरोध ना हो गया हो। तो ऐसी क्या बात है? और वजह साफ है कि जब अर्थव्यवस्था डूब गई हो, किसान की आय दोगुनी ना कर पा रहे हो, गन्ने की कीमत ना दे पा रहे हो, जो बकाया है गन्ने का वो ना दे पा रहे हो, जो गन्ने की कीमत बढ़नी थी वो ना दे पा रहे हो, धान की कीमत नहीं दे पा रहे किसान को, आलू की कीमत नहीं दे पा रहे किसान को, और बड़ा दावा करते थे कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। जिस समय 370 पे बहस हुई तब भी मैंने कहा ये कश्मीर में क्या इन्वेस्टमेंट लाएंगे जब उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट आया है, और जो हालात पैदा देश के कर दिए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपना मुनाफा लेकर के भारत से जा रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है।